एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो और आज एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी थी, वो मैं बाद में करूँगी। और सुबह का जितना भी, आज हस्बैंड जल्दी चले गए थे तो फटाफट से सारा मैंने फिनिश किया वर्क अपना। फटाफट से मतलब इवनिंग अप्रॉक्स 6 o'clock मेरा खाना बन गया था, क्योंकि उनको टिफ़िन ले जाना था। तो उसी हिसाब से मैंने और मेरे बच्चों का, दोनों का, सबका बना लिया था। और उसके बाद हमारा सब कुछ डन है। और अभी आपको लग रहा होगा मैं रेडी हो कहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बस ऐसे ही आज बहुत टाइम बाद मन हुआ तो थोड़ा सा रेडी हो गई। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। तो पहले बाकी का जो है, अचानक से पूरी इम्पोर्टेंट बात बता दूंगी तो फिर वीडियो किस बात की भी नहीं रहेगी, तो इसलिए एक वीडियो को स्किप मत करना। छोटी सी वीडियो है, ज़रूर इन्जॉय भी करना। और मुझे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ज़रूर करिएगा। और तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन था। ये जस्ट मैंने इसलिए दिखाने के लिए आपको किया है कि जब मैं मतलब कटिंग करवाने के बाद मेरे बालों की जो हालत थी, तो ये छोटी सी मतलब, क्योंकि मेरा, मैं ब्लॉग भी डालती हूँ वीडियो में, तो ये सिर्फ बात करने के लिए आपसे, ये मैंने हेयर कटिंग से रिलेटेड तो इसलिए वीडियो बनाया था। और यहाँ पे पूरे बाल ऐसे, और इस टाइम इतनी गर्मी लगती है ना, तो सब बाल को फोल्ड करके ऊपर और क्लिप वगैरह बहुत सारी मैंने लगाई हुई थी अपने सर में। ये देखो दिख रही होंगी आपको हल्की सी, तो इसीलिए मैंने ये पार्ट आपको दिखाया, वरना इस वीडियो में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरा जितना भी काम होता है डन कर लिया है मैंने। और ये इसी पोजीशन में बैठ के भी मैंने वेलकम वीडियो वो भी शूट किया था, ताकि क्योंकि अचानक से पूरा वो भंगार जैसा काम दिखा दूँगी तो बहुत बेकार लगेगा। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप अपने बाल कटवाने जा रहे हो, अगर आप अपने बाल ज़्यादा टाइम तक खुले रखते हो या रख सकते हो तो ही कटवाना। अगर मान लो, क्योंकि मेरे को भी बहुत लगा था कि नहीं, मुझे बाल कटवाने रखने हैं, और क्या हालत होती है वो तो मैं वीडियो में जब झाड़ू पोछा कर रही थी तो ही देखा था। इधर से चिमटी लगा रही हूँ, इधर लगा रही हूँ। अभी तो क्या, मैंने अच्छे से ऑयलिंग की है, क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करना है। आज थर्सडे है, वीरवार को, तो मैं नहीं करती हूँ। बहुत से लोग नहीं करते होंगे, तो यहाँ एक पिन यहाँ लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से भी थोड़े से फ्लिक्स काटे थे उसने, फिर यहाँ पूरे। तो एक पिन यहाँ लगाती हूँ, एक यहाँ लगाती हूँ। ये देखो अभी भी लूज से, अगर मैं ज़रा सा भी निकालूँ तो निकल जाएंगे। तो अगर आपके अंदर भी हेयर कटिंग का कीड़ा थोड़ा सा कर रहा है आपको, तो रुक जाओ, पहले थोड़ा सा सोच लो कि हेयर कटिंग के बाद आप बाल परमानेंटली खुले रख पाओगे। और ऐसी गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं कराना चाहिए, कराते हैं, बहुत से लोग कराते हैं, मैंने भी कराए, अच्छे लगे। हाँ, लेकिन हेयर कटिंग कराते हैं वो पार्लर वाली ब्लो ड्रायर करके जैसे भी करके सेट करके देती है, वो उसी दिन अच्छे लगते हैं, दूसरे दिन धुलने के बाद तो वो वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो यही तो एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और ये हेयर कटिंग की वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी, मतलब उस पर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे रिलेटेड एक और वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत से होते हैं ना, क्योंकि मैंने भी मेरे बाल किसी की वीडियो देख के कटवाए थे कि अरे ये कटिंग कटवा लेती, क्योंकि काफ़ी लंबे कमर तक हो गए थे। फिर मुझे लगा कि छोड़ो ना यार, क्या वही पोनी पोनी करके बना हुए, तो मैं भी कटवा लेती हूँ, तो मैंने भी कटवा लिया। अभी मैंने ये बन बनाया है, ये गजरा भी लगाया है, ये आर्टिफिशियल है, पर उसको कैसे टिकाए मैं ही जानती हूँ, क्योंकि लेयर कट में उसने यहाँ से कटिंग बालों की छोटा स्टार्ट करना चालू किया था, और यहाँ से पूरा पीछे कमर तक है। तो बाल कंट्रोल में नहीं आते। अगर आप कटवाने जा रहे हो तो ज़रूर सोच लेना। हाँ, अगर मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एक बार सोच लेती, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, क्योंकि जो मैं कर चुकी हूँ वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। पर ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि आप बाल कटवा रहे हो तो मेरे कहने से मत कटवाओ, भाई कटवाओ, जिसको कटवाना है कटवाओ। पर जो नहीं रखता है खुले, जिसको बाल आगे आने से या इधर उधर होने से प्रॉब्लम है, प्लीज़ बाल मत कटवाओ। मेरे को भी मतलब कभी कभी अच्छा लगता है, मैं खोलती हूँ तो आगे ऐसे लेके आती हूँ, पर जो गर्मी लगती है, आप 24 घंटे AC के सामने तो नहीं रह सकते, जो गर्मी लगती है घूम घाम के, इधर इधर जुड़ा, इधर पिन, इधर पिन, तो बस